क्या गोली मारी? नहीं सर, चाकू मारा है। चाकू मारा है? कपड़े भी नहीं है शरीर पे, कहीं है भिखारी भिखारी तो नहीं? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है, शक्ल से तो किसी अच्छे घर का लगता है सर। सर किसी ने इसे चाकू मार के लूटा है और कपड़े लेके भाग गया। सर ये देखिए, यहाँ कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं सर, पतले पतले हैं और थोड़े से, ऐसा लगता है ये इसके घड़ी के होंगे या तो फिर खूनी की घड़ी। मतलब चाकू लगने के बाद भी इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। सर ये देखिए, ये घड़ी के कांच का जो एज है वो स्ट्रेट है सर, लगता है घड़ी रेक्टेंगुलर हो, गोल नहीं है। हाँ 10% चांसेस है ये पता चल सकता है कि ये घड़ी कौन सी है। सर हमने इसके बॉडी को हाथ में लगाया क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है सर, यहाँ इसका चेहरा देखिए सर। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सर जब से हम लोग यहाँ आए हैं इसका चेहरा खराब होता जा रहा है, जैसे किसी ने एसिड डाल दिया उसके चेहरे पर। ये तो गल रहा है। जी सर, पीठ पे चाकू लगने से फेस खराब कैसे हो सकता है? सर सर, हाँ सुधाकर। सर आसपास की जगह चेक कर रहा था तो एक कपड़े मिले झाड़ियों में। जेल के कपड़े? पास में सेंट्रल जेल है, कहीं जेल से कोई भाग तो नहीं गया? हाँ सर, शायद वो इसके कपड़े पहन के भाग गया और अपने यहाँ फेंक गया। हाँ सर, हमें तो ये बात बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे जेल से एक आदमी भाग गया, गार्ड ने गोली तो मारी थी फिर भी भाग गया। हाँ कौन? एक बहुत ही खतरनाक आदमी है सर, पेशेवर खूनी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, पैसे लेके किसी का भी खून कर सकता है। 5 खून किया उसने, लाइफ सेंटेंस हुआ था उसे। अब क्या? वही तो सोच रहे हैं अब क्या करें, ज्यादा जोर से हल्ला मचाएंगे तो पब्लिक में दहशत फैल जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। ये निकाली मैंने फैल। ठीक है, कैसा दिखता है? तो कालिया नाम है उसका। जी हाँ, वैसे दिखने में तो इतना काला नहीं है पर न जाने क्यों उसका नाम कालिया पड़ गया, खुद तो भाग गया हमें फंसा गया, अब मेरा तो ट्रांसफर हुआ ही समझो। ये कपड़े उसी के हैं? हाँ ये उसी के कपड़े। आपको कहां मिले? उसने एक आदमी को मार दिया है। मार दिया इतनी जल्दी? हाँ, और उसके कपड़े लेके भाग गया और ये छोड़ गया। हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सेंट्रल जेल से। यहां से कालिया नाम का एक खूनी जो आजीवन कारावास भुगत रहा था भाग गया है। केस नंबर है PS/22-46/HC-120। हाँ, उसने जेल से थोड़ी दूर पे एक आदमी को चाकू से मारा है। सर ये आदमी कौन है, कुछ पता चला आपको? नहीं, ना तो ये कोई क्रिमिनल है और ना ही किसी ने अभी तक ये रिपोर्ट लिखाई है कि भाई हमारा कोई रिश्तेदार खो गया है। अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये आदमी है कौन। सर आप कुछ भी कीजिए लेकिन ये पता लगाना ही होगा कि आदमी कौन है। क्यों? इसके मुंह की खाल गल के गिर रही है इसलिए? सर मैं बच गई, मैंने जैसे ही इस मरे हुए आदमी का मुंह देखा तो मैं समझ गई कि कुछ दाल में काला है। मैंने फौरन ये मास्क वगैरह पहन लिया और इसे अंदर बंद कर दिया। एक मरे हुए आदमी से इतना डर? हाँ, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज इसकी जगह मैं लेटी हुई होती और मेरा चेहरा भी गल के गिर गया होता। सर इसका मुंह एसिड से नहीं जला है, इसे एक वायरस लग गया है, जैसे सार्स का वायरस होता है ना वैसा वायरस। सुधाकर अब जरा ये मोटर ऑन कीजिए। जब मैंने इसका खून टेस्ट किया तो उसमें एक नए किस्म का वायरस निकला। सर इस आदमी की मौत वायरस से हुई है, इसे जो चाकू का घाव लगा हुआ है उससे मौत नहीं हुई। ये कैसा वायरस है जिससे
मुंह गल जाता। किसी ने ऐसे हाथ तो नहीं लगाया ना, वरना वो भी गया समझो। नहीं, हमने तो ग्लव्स पहने हुए थे। बहुत संभाल के काम करना होगा अगर ऊपर नहीं जाना है तो। दिस वायरस इज कंटेजियस, हाथ लगाने से फैल जाएगा, पास में आने से फैल जाएगा। सर, कालिया ने इसे मारा है, इसके कपड़े पहन लिए, तो फिर तो कालिया भी ये वायरस लेके घूम रहा है सर। खुद तो मरेगा ही और लोगों को भी मरवाएगा। हाँ सर, उसे रोकना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना आपसे कि कालिया यहाँ नहीं आया है, और भी पुलिस वाले आए थे, मैंने उन्हें भी यही बताया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि कालिया जेल से भाग गया है। देखिए, हम जेल से भागने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके पति की जान बचाने के लिए आए हैं। पुलिस क्यों जान बचाने लगी है खूनी की? वो तो उसे देखते ही गोली मार देंगे। नहीं, अगर कालिया मिल गया तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल? जी हाँ। हॉस्पिटल क्यों? क्या किसी ने उसे गोली मार दी? नहीं, उसे एक तरह की बीमारी लग गई है, उसे एक वायरस चिपक गया है जिससे उसकी मौत होने वाली है। मौत होने वाली है? हाँ। हे भगवान, एक तो तुमने उसे पहले ही जेल भेज दिया और अब ये बीमारी लगा दी। मैं तो उसके इंतजार में बैठी थी। देखिए, रोना धोना बंद कीजिए प्लीज। क्यों बंद करूं? तुम्हारा पति जेल में होता तब तुम्हें पता चलता। हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर आपको कुछ मालूम है तो बताइए वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर देर हो गई तो उसका मुंह गल के गिर जाएगा, समझी? मुंह गल के गिर जाएगा? हाँ, ऐसे सारा शरीर गल जाएगा। देखिए प्लीज बताइए कहाँ है वो, बताइए प्लीज। इतने सालों कल उसने मुझे फोन किया था, तब तो उसने मुझे इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसने फोन किया था? क्या क्या कहा उसने? उसने कहा हाँ। कि पुलिस उसके पीछे है। हाँ। और वो किसी से मिलने कोना भर जाएगा। कोना भर? देख, मैं कुछ पूछूंगा, उसका जवाब सच सच देना, वरना यहीं पे उल्टा लटका दूंगा, समझे? पर ये देख, हम लोग सीआईडी से हैं, अब अपनी ये साफ सुथरी चोच खोलने के लिए तैयार हो जा। मगर चुपचाप सुन, एक कालिया नाम के आदमी के घर से हमें ये पता चला है कि कालिया कल यहाँ आने वाला था। कालिया? कालिया कल यहाँ आया था कि नहीं? हाँ, जानता है ना कालिया को? हाँ, कालिया कल यहाँ। और कालिया मगन भाई से बात कर रहा है, और मगन भाई यहाँ बैठे। ये मगन भाई कौन है? यहाँ बाहर कोने में उसका ऑफिस है, सामान गिरवी रख कर पैसे उधार देता है। मगन भाई है यहाँ पे? जी मगन भाई। हाँ मगन भाई। मालिक तो आज काम पे नहीं आया, आप मुझे बताइए क्या बेचना है। सारा काम मैं ही तो करता हूँ। तुम ही करते हो? हमें मगन भाई से ही बात करनी है, हम लोग सीआईडी से हैं। अब बताओ क्या खरीदेगा? मालिक की तो तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है? घर पे। मगन भाई, मगन भाई, तो क्या हो गया आपको? आपकी चेहरे को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। मगन भाई, मगन भाई, आपकी तबीयत बहुत खराब है मगन। ठीक है, तुम जाओ। मगन भाई, कालिया कल बार में आपसे क्या बात कर रहा था? कालिया ने मुझे एक हाथ की घड़ी दी और सोने की एक अंगूठी दी थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर कहाँ गया वो, कुछ मालूम है आपको? नहीं नहीं। तबीयत बहुत खराब है, लगता वही है। सर, एक मनी लेंडर मिला है मगन भाई, इसने कालिया को पैसे दिए हैं सर। इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, तबीयत बहुत खराब है और चेहरा भी बड़ा अजीब सा हो गया सर। और सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, लगता है ये। ओह नो,
सर इसका भी चेहरा मेल्ट हो रहा है सर, पिघल रहा है सर। सर डॉक्टर वागले ने मगन भाई की बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि क्या पता चला? एक बुरी खबर है सर। वही वायरस? हाँ सर, मगन भाई भी उसी वायरस से मरा है। कालिया मगन भाई से मिला और मगन भाई को वायरस लग गया। इसका मतलब है सर कालिया को भी ये वायरस लगा हुआ है। मगर जेल में तो ठीक था। सर जेल से भागने के बाद उसे वो आदमी मिला जिसे उसने मार दिया और उस आदमी से कालिया को वायरस लग गया। मगर सर उस आदमी को वायरस कहाँ से लगा? जहाँ पे वो काम करता होगा वहां से लगा होगा। देखो जिस जगह पे उसकी लाश मिली वहां आसपास पूछताछ शुरू करो। आसपास के सारे ऑफिस में पूछताछ करो। मरे हुए आदमी का फोटो दिखा। क्या हो गया? तुम चिल्लाए क्यों? क्या बात है? कौन है आप लोग? सर दिनेश। दिनेश मिल गया? हाँ। कहाँ है वो? ये रहा। हैं? हाँ दिनेश की मौत हो गई। वो यही काम करता था? हाँ दिनेश यहाँ काम करता था। किसी मरे हुए इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए मगर मेरे दिल में इतना गुस्सा भरा उस इंसान के लिए कि मैं सच बोल के ही रहूंगा। दिनेश एक चोर था। चोर? क्या चुराया उसने? उसने मौत चुराई है। मौत? मौत? मैंने लाखों रुपए लगा के ये रिसर्च लैब बनाई है। मैं अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट ढूंढ के लाता हूँ यहाँ काम करने के लिए। हम लोग रिसर्च करते हैं, तरह तरह की बीमारियां ढूंढते हैं। तो दिनेश एक साइंटिस्ट था? हाँ, अच्छा ब्रिलियंट तेज दिमाग वाला मगर चोर निकला। उसने एक ऐसा वायरस ढूंढ निकाला था जो बहुत ही खतरनाक है। उसके बारे में दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है। अगर हम लोग उसे किसी दवाई बनाने वाली कंपनी को बेच देते तो करोड़ों रुपया मिलते, करोड़ों। मगर ये आदमी उस वायरस को लेके भाग गया। शायद किसी को बेचने वाला था। ये वायरस लेके कैसे जाते हैं? हाथ में? या हाथ में कैसे लेके जाएंगे सर? ये दिखता नहीं है आंख से, इतना छोटा सा होता है। इसको प्लेटिनम की बोतल में एकदम टाइट बंद करके लेके जाते हैं। मगर लाश के आसपास तो कोई बोतल नहीं मिली। नहीं मिली? मर गए, सब मारे जाएंगे। इस वायरस से बचने के लिए कोई दवाई है? मुझे तो नहीं मालूम है, एक साइंटिस्ट ही बता सकता है। कोई है जिसे आप जानते हैं? हाँ एक लड़की है, इंग्लैंड से आई। वहाँ पे वो ऐसे ही वायरस पे रिसर्च कर रही है। वो आपके यहाँ काम करती है? मैंने बुलाया था उसे लेकिन यहाँ आने से पहले ही उसे दूसरा काम मिल गया। उसका नाम तो बताओ। डॉक्टर नियति प्रधान। डॉक्टर प्रधान आपने हमें बताया नहीं था कि आप किसी वायरस पर रिसर्च कर रही थी इंग्लैंड में? सर मैंने आपसे बताया था कि मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो फिर फोरेंसिक साइंस की डिग्री क्यों ली? क्योंकि फोरेंसिक्स में हर रोज नई नई चीजें देखने को मिलती हैं और रोज नए नए लोग मिलते हैं। ठीक है, जिस वायरस पर आप रिसर्च कर रही थी क्या वो यही वायरस था जिससे मौत हो रही है? हाँ सर मगर ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इट्स अ म्यूटेंट स्ट्रेन। इसका कोई तो इलाज होगा? नहीं सर। इस वायरस की भी कोई वैक्सीन होगी? सर एक डॉक्टर ने एड्स की बीमारी के लिए डेप्टोनैटलिंग डबल प्लस नाम की एक वैक्सीन को लगाकर देखा था। ये देखिए, एड्स पर तो इसका कोई असर हुआ नहीं मगर हमें ये पता चल गया है कि इस वायरस पर ये दवाई काम कर गई है। तो फिर लगाओ ये मेडिसिन? नहीं सर, इस दवाई के अभी ठीक से टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर हमने ये दवाई किसी पेशेंट को लगा दी और अगर पेशेंट के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम सब मारे जाएंगे सर, सीधा जेल जाएंगे। नो इसी भी प्रद्युमन यार कहां पे? ठीक है एक कांस्टेबल को खड़ा करो वहां पे मगर बॉडी से जरा दूर खड़े रहने के लिए कहो। ओके? कोई भी बॉडी के पास नहीं जाना चाहिए, समझे? कोई भी बॉडी के पास मत जाना नहीं तो मारा जाएगा। वैसा ही कुछ लगता है। वही है? वही है सर, वही वायरस। इस बॉडी को बहुत संभाल के उठाना पड़ेगा। मगर इसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते। बॉडी यहाँ पड़ी रहेगी तो 50 लोगों को लगेगा ये वायरस। लेकिन इसको हाथ लगाना भी खतरनाक है। रबर के ग्लास पहने और बाद में ग्लास को जला देना। कालिया इस आदमी को मिला था, जरूर मिला था। सांस की बीमारी भी इसी तरह फटाफट फैल गई। एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगता ही गया था वो वायरस। मगर रोका कैसे था उस बीमारी को सर? ऐसे ही जिसे जिसे बीमारी लगी उसे हॉस्पिटल के एक कमरे में बंद कर दिया गया 15 दिन तक। मगर सर अगर कालिया ये बीमारी फैला रहा है और कालिया की वजह से लोग मर रहे हैं तो वो खुद क्यों नहीं मर रहा है सर? मेरी जेलर से बात हुई थी फोन पे। उन्होंने बताया कि कालिया जेल के हॉस्पिटल में से भागा था। उसे जबरदस्त सर्दी और जुकाम हो गया था तो हॉस्पिटल में उसे एंटीबायोटिक्स लगाए जा रहे थे। तो उन एंटीबायोटिक्स की वजह से उसकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है? जी सर।
उसके शरीर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन वायरस तो निकला ही जा रहा है ना शरीर में से, जो दूसरों को लग रहा है। सर, किसी भी हालत में कालिया को रोकना ही पड़ेगा। पहले वो मिलना तो चाहिए, तभी उसे रोक सकते हैं। वो मिल जाएगा तो उसे डॉक्टर प्रधान वाली वैक्सीन लगा। हाथ मत लगाओ कोई, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, लगता है ये भी वही वायरस। सुधाकर, क्या लगता है? 3 मौत हो चुकी है एसीपी साहब, सच हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता है, और कभी कभी तो जो होना है वो होकर ही रहता है। एक छोटा सा लेक्चर दे दिया, हो गया काम, धो लिया हाथ। मुसीबत से निकलने का सबसे आसान तरीका ही है, इसे बचाने का रास्ता ढूंढो। इस वायरस से लड़ने का कोई तरीका नहीं है एसीपी साहब, अगर कोई उम्मीद है तो वो वैक्सीन जो डॉक्टर प्रधान के पास है। डॉक्टर प्रधान आइए प्लीज, आप कुछ कर सकती हैं? देखिए इसकी हालत तो बहुत खराब है, आखिरी स्टेज है। प्लीज ऐसा मत कहिए। डॉक्टर प्रधान, आपके पास ये वैक्सीन है ना? हाँ वैक्सीन है मेरे पास, मगर मैं लगाऊंगी नहीं। क्यों? कहीं वैक्सीन लगाते ही ये मर ना जाए। और नहीं लगाई तो ये वैसे ही मर जाएगा। वैसे शायद ये बच भी जाए। मैं आपको ऑर्डर करता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ लगाओ। एसीपी सर, ये वैक्सीन जब पहली बार बनी थी ये हमने 5 गिनी पिग्स को लगाई थी। वैक्सीन लगाओ। और उन 5 गिनी पिग्स में से 4 पिग्स मर गए थे सर। इसका चेहरा पिघल रहा है, इंजेक्शन लगाओ। नहीं नहीं, अब लगाओ। आप उस पर गोली चलाएंगे? हाँ। एसीपी सर, मैंने सुना है कि एक बार आपने अपने बेटे पर भी गोली चलाई थी। अब दूसरी गोली तुम्हारे सिर में होगी, लगाओ इंजेक्शन। आप सब लोग विटनेस हैं कि मैं ये इंजेक्शन एसीपी सर के दबाव में आकर लगा रही हूँ। इस इंजेक्शन के लगने से जो कुछ भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हेल्प मी। मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी। पानी दे दिया साहब। और जरा इधर आना। चलो ये साहब बोलो। वो एक टेबल वाला दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना। हाँ, इतना खास कर रहा है वो? बहुत बीमार लग रहा है मुझे। मुझे सैंडविच तो पूरा खा गया। इस होटल में बीमारी फैला के जाएगा क्या? अभी देखता हूँ। हाँ भाई, हो गया? कुछ और चाहिए खाने को? इधर फालतू में नहीं बैठने का, समझे क्या? तुम्हें मालूम है बस नंबर 32 कहाँ से जाती है? यहाँ से बाहर निकलोगे ना 100 कदम पर बस स्टॉप है, वहीं से मिलेगी। मैं बिल लेके आता हूँ। साहब उसका बिल बना दो। यहाँ सबके पसीने छूट रहे हैं और ये भाई साहब खूब टोपी और कंबल लेकर बैठा हुआ है। समझता क्या है, कश्मीर में आया है क्या? साहब उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा है। ये बिल और जल्दी से भगा यहाँ से। तो भाई 30 रुपए जल्दी निकालो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.